और ये देखिए पहले बड़ी तस्वीर इस वक्त की, भोपाल रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। अलग अलग रूट पर ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। प्रधानमंत्री मोदी का उद्घाटन सेवा में यात्रा, मध्य प्रदेश दौरा, उन बच्चों के साथ संवाद, फर्स्ट डे फर्स्ट शो एक तरीके से, और शो का पहला हिस्सा है 5 अलग अलग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाना। वंदे भारत तेज गति से चलने वाली ट्रेनें, और बार बार प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जिक्र करते हैं कि ये किस तरीके से भारत की तकदीर और तस्वीर तेज रफ्तार वाली ट्रेनें बदल सकती हैं, भारत की विकास की रफ्तार को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। तस्वीर देखिए, बच्चों के चेहरे पर चमक देखिए, खुशी देखिए, ये वो बच्चे हैं जो इस ट्रेन में सफर करेंगे। और प्रधानमंत्री अब उस वंदे भारत ट्रेन में पहुंच चुके हैं जिसमें बच्चे मौजूद हैं जो इस ट्रेन में। कौन कौन सी वंदे भारत वाले हैं, बेहद उत्साहित हैं उस गति। कौन कौन सी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। इसके साथ ही जो दूसरी तस्वीर है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की, जहां पर तैयारी पूरी है, प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर बाद किसी भी समय इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। लोगों की मौजूदगी भी है, बच्चों की भी मौजूदगी आप देख सकते हैं। इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव, उस लिहाज से भी यह दौरा काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद जब इस कार्यक्रम को संपन्न करके प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे, तब एक प्रदर्शनी, और प्रदर्शनी के बाद बूथ जो कार्यकर्ता है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, उनसे सीधा संवाद करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, ताकि आने वाले चुनाव में संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सके। और देखिए ये तस्वीर, लोगों की मौजूदगी, लोगों में उत्साह, वंदे भारत एक्सप्रेस को देखकर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों के पोस्टर हाथों में लेकर तो इस वक्त की ये बड़ी तस्वीर है। और कौन कौन सी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो भी आप देखते चलिए, उनका रूट क्या है वो भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। हालांकि दो कार्यक्रम, जो रोड शो होना था और शहडोल में जो कार्यक्रम एक होना था, उस कार्यक्रम को कैंसिल किया गया है तेज बारिश और अलर्ट की वजह से। तो ये तस्वीर आप देखिए, भोपाल से ये सीधी तस्वीरें, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, ट्रेन के अंदर खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है, बच्चों से संवाद भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जो बच्चे वहां पर मौजूद हैं स्कूल के, उन बच्चों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन के अंदर, तो ये एक अलग तस्वीर है, बच्चों से प्रधानमंत्री मोदी का एक खास लगाव भी। और जब पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री मोदी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सबने कनेक्टिविटी के लिहाज से उनका स्वागत किया था जोरदार तरीके से। महत्वपूर्ण 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का ये पूरा कार्यक्रम, अलग अलग तस्वीरें, कुछ यात्री मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त ट्रेन के अंदर। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, खजुराहो इंदौर भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, गोवा तक की वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात प्रधानमंत्री मोदी यहां से देने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो तस्वीर सामने आई, आप देखिए किस तरीके से बच्चों से भी मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, उनसे बातचीत की है, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बातचीत की है, अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर बातचीत की है। कुछ तस्वीरें बच्चों के हाथों में थी जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दिखाई है। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी नेहरू स्टेडियम जाएंगे एक प्रदर्शनी का जायजा, उसके बाद बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, आने वाले चुनावों की चर्चा